नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मंथली राशिफल में आप सबका। और आज का ये प्रेडिक्शन है मेष राशि वाले जातकों के लिए। राशि चक्र की प्रथम राशि में जिसका नंबर वन है, एक नंबर दिया गया है, ऐसी राशि मेष राशि के लिए आने वाला नेक्स्ट मंथ दीपावली का महीना अक्टूबर 2022 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे आपकी राशि के अंदर चलने वाले राहु ग्रह के बारे में। राहु जो कि मेष राशि के अंदर पर्णी नक्षत्र में चल रहे हैं, ये पर्णी नक्षत्र में ही रहेंगे और जिसके चलते हुए जो कोई भी जातक का जन्म का चंद्र अश्विनी नक्षत्र में है, ये जातकों के लिए ये लाभप्रद है, बेनिफिट करने वाले हैं। लेकिन भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये जातकों के लिए मानसिक स्थिति खराब करने वाले हैं, कन्फ्यूज़न बढ़ाने वाले हैं। पर्टिकुलरली जिनका जन्म का चंद्र भरणी नक्षत्र में है और जिनका जन्म का सूर्य भरणी नक्षत्र में है, उसको क्या इफेक्ट होगा, उनके लिए भी ये पावरफुल ग्रहण योग बनेगा। सूर्य के ऊपर से जब राहु का भ्रमण होता है तो हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट हो जाता है। फादर के साथ रिलेशन में तनाव आता है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जॉब में अपर लेवल से प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये सब सेक्टर में केयर करना पड़ता है और खुद का भी हेल्थ केयर करना पड़ता है। तो क्योंकि सूर्य है, इसको राहु ने ग्रहण लगा दिया है, तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मेष राशि के अंदर हैं तो ये प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। प्रेडिक्शन में राहु की बात आगे बढ़ते हैं दो नंबर पर, धन स्थान कुटुंब स्थान। तो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल का ट्रांजिट धन स्थान के अंदर 16 अक्टूबर तक है, जिसके चलते हुए वाणी व्यवहार में संयम बरतना होगा। जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार से कनेक्टेड हैं, इनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो से माइनर डिसअपॉइंटमेंट इन लव मैटर ऑल्सो। तो मंगल जो है ये राशि परिवर्तन करते हैं, मिथुन राशि के अंदर चलेंगे पराक्रम भुवन में, साहस भुवन में। हालांकि जो मिथुन राशि है ये मंगल के लिए इतना कंफर्ट जोन नहीं है, फिर भी पराक्रम भुवन में, साहस भुवन में आपकी भुजाओं के ऊपर चलने वाले मंगल कहीं ना कहीं आपको कुछ नया साहस जरूर करवाएंगे। आने वाले समय में ये साहस पर्टिकुलरली आपको कुछ बेनिफिट दे सकता है, तो थोड़ा बेनिफिट भाई बहन की ओर से भी मिल सकता है। और मंगल की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर होगी, जिसके चलते हुए जो कोई भी जातक जॉब कर रहे हैं और शनि भी वक्री है, तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। गुरु की दृष्टि सुख स्थान के अंदर है, चौथे स्थान के अंदर है, तो मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई मैटर हैं, मसले हैं, तो ये आपके सॉर्ट आउट होंगे। कुछ भी करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, भले शनि की दृष्टि है सुख स्थान के अंदर, सीधी दृष्टि है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है। हालांकि जो गुरु का फल है वो भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु 12वें स्थान में वाद नक्षत्र में है। तो 6th हाउस की बात करें तो 17 अक्टूबर 2022 तक जो सूर्य आपके 6th हाउस के अंदर है, जो कि रोग एवं शत्रु पर आपको विजय देने वाले हैं और सरकार से भी आपको लाभ करने वाले हैं। 17 अक्टूबर को शाम को 7:24 को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपके 7th हाउस के अंदर और यहाँ केतु के साथ चलेंगे सूर्य,
जिसके कारण क्या होगा, दाम्पत्य जीवन थोड़ा प्रभावित होगा और प्रभावित नेगेटिवली होगा, क्योंकि ये उग्र ग्रहों का जो जमावड़ा है, केतु के साथ सूर्य चलेंगे और दीपावली के दिन जो सूर्य ग्रहण भी है, जिसके इम्पैक्ट में खास करके आपके जो पार्टनर हैं उनका कुछ हेल्थ खराब हो सकता है, या तो आपका भी कुछ हेल्थ का कुछ इश्यू हो सकता है। तो ग्रहण के इम्पैक्ट के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको बदनामी मिले, नामोशी मिले, क्योंकि सेवंथ हाउस जो है ये पब्लिक लाइफ का स्थान है। यहाँ पर आपको जो पब्लिक लाइफ के अंदर भी बहुत, यदि आप पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक लाइफ के अंदर हैं, तो शुड बी टेक केयर, अदरवाइज बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो कन्या राशि में होगा, अपनी उच्च राशि के अंदर बुध 26 अक्टूबर तक है और ये आपको आपके शत्रुओं के ऊपर बौद्धिक विजय करवाने वाले हैं। और शनि दसवें स्थान के अंदर है, जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ के अंदर है इनके लिए तो स्ट्रेसफुल समय रहेगा। और केतु का जो नक्षत्र है ये चेंज हो रहा है, केतु जो अभी विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं, 18 अक्टूबर को केतु स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चलेंगे और ये ट्रांजिट मेष राशि में, खास करके जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में है, ये जातकों के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन होगा। लेकिन अश्विनी और भरणी वाले जातकों के लिए ट्रांजिट इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अश्विनी के लिए साधक नक्षत्र जरूर है लेकिन यहाँ पर योनि दोष बनता है। तो योनि का जो इम्पैक्ट है वो ज़बरदस्त है प्रेडिक्शन में, क्योंकि मेष राशि के अंदर जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है इनकी योनि है अश्व, अश्व माने घोड़ा, और जो ये नक्षत्र में चलने वाले हैं केतु, ये साथी नक्षत्र की जो योनि है महिषी, महिषी माने भैंस। और आप सबको मालूम है कि ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी है भैंस और घोड़े के बीच में, क्योंकि घोड़ा बना है स्पीड के लिए और भैंस बहुत धीरे धीरे चलती है। अब घोड़ा चलता भी है तो भैंस को चलना है तो साथ में दौड़ना पड़ेगा, इतनी स्पीड से भैंस को चलना पड़ेगा। तो ये एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन है, जिसके कारण अश्विनी वाले जातक भी अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे। भरणी वाले जातकों के लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र होगा केतु का, अपकमिंग 8 महीना और 8 दिन जो केतु स्वाति नक्षत्र में चलने वाले हैं, ये जिनका भी जन्म का सूर्य भरणी है या चंद्र भरणी है, ये जातकों का पब्लिक लाइफ में भारी ऑपोजिशन हो सकता है, या तो कुछ अपने बयानबाजी के अंदर बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा भारी कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। केतु स्वाति नक्षत्र में मात्रा और मात्रा कृतिका वाले जातकों के लिए शुभ फल देने वाले होंगे, फिर भी दाम्पत्य जीवन में कोई घर्षण ना हो पार्टनर के साथ, इसका केयर तो जरूर करना होगा। इस मंथ के अंदर बिजनेस और करियर भी थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि शनि दसवें स्थान में वक्री चल रहे हैं, शुक्र का ट्रांजिट 6th और 7th हाउस में है, तो शुक्र का ट्रांजिट थोड़ा शुभ है आपके लिए। 24 सितंबर से शुक्र कन्या राशि में चलेंगे, जो कि 6th हाउस के अंदर होंगे, जो 26 अक्टूबर तक है, और 26 अक्टूबर को शुक्र 7th हाउस में चलेंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे लव मैटर के बारे में और दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। जो 4th, 8th, 12th चंद्र है वो मंथ में कौन सी डेट है अक्टूबर की, ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले 12वां चंद्र आएगा आपको अक्टूबर में, 8, 9, 10 मीन के चंद्र होंगे, गुरु के साथ चंद्र होंगे, जो कि आपको धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में खर्च करवाएंगे। इसके बाद चंद्र आपके 4th स्थान में होंगे, 17, 18, 19, 20, जिसमें कर्क राशि के चंद्र होंगे। यहाँ पर ये चंद्र अपने घर के अंदर हैं, लेकिन सुख स्थान के अंदर
शुक्र के अलावा को शुक्र और बुध के अलावा कोई भी ग्रहों का जो फल है वो प्रैक्टिकली शुभ नहीं देखा गया है, तो जिसके इम्पैक्ट के अंदर वो चंद्र भी फास्ट मूविंग वाले ग्रह हैं, फास्ट घूमने वाले ग्रह हैं, तो उसका भी जो है वो फ्लेक्सिबल मोशन फास्ट होने के कारण क्या है कि जैसे हमारे विचार भी हैं वो एक सेकंड के अंदर विचार बदलते हैं, एक मिनट के अंदर विचार बदल जाते हैं, एक दिन में विचार बदल जाते हैं, तो माइंड का जो प्रोसेस है सोचने का ये बहुत स्पीडी काम करता है। तो उसी हिसाब से जो सुख स्थान के अंदर जो ये चंद्र है ये शनि की दृष्टि में होने के कारण ये 20 योग बनेगा इन तारीखों के अंदर, तो इस तारीखों के अंदर आपको मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कोई भी कार्य लेना बेचना कुछ भी करना एडवाइजेबल नहीं होगा। जो डेट रहेगा 17, 18, 19 और 20, और जो ग्रहण है ये दीपावली की दिन हो रहा है, तो दीपावली के दिन हो रहा है तो ये ग्रहण का भी इफेक्ट आपके लिए शुभ नहीं है दाम्पत्य जीवन और पब्लिक लाइफ के लिए। और वंस अगेन जो आठवां चंद्र होगा वृश्चिक का चंद्र वो डेट रहेगी 27, 28 और 29, और ये तारीखों के अंदर भी आपको नदी समंदर तालाब किनारे घूमने नहीं जाना चाहिए, अन्यथा जाते हो तो आप पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, पानी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रिडिक्शन को आपके कोई मित्र हैं मेष राशि वाले इनको आप जरूर शेयर करिए। मिलते हैं एक और नए प्रिडिक्शन में। नमस्कार, आपका आने वाला समय शुभ रहे ऐसी शुभकामनाएं।